अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.7 ट्वेल्थ फिजिक्स का करने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, आप क्वालिटी हाई करके देख लो आप जरा। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो सर्किट दिया हुआ है, इसके प्रत्येक ब्रांच में, हर ब्रांच में आपको करंट बताना है कि कितना करंट होगा, कितना करंट होगा, कितना करंट होगा, ठीक है। ए बी में, बी सी में, सी डी में, सी ए में, इसमें और इसमें। यहां पर करंट जो है प्रत्येक ब्रांच में, हर ब्रांच में आपको करंट दर्शा दिया गया है कि किधर फ्लो कर रहा है, और उसको डिनोट भी कर दिया गया है पहले से ही। इधर I2 करंट है, इस ब्रांच में I1 करंट है, इसमें I1 माइनस I2 है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, सारा चीज कर दिया गया पहले से ही। तो हम लोग को क्या करना है, बस करंट फाइंड करना है। यहाँ पर एक बात ध्यान दिया जाए कि जितना तरह का अननोन करंट होता है उतना ही लूप लिया जाता है, किरचॉफ्स लूप रूल का इस्तेमाल करके करेंगे। I1, I2, I3 तीन अननोन करंट है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तीन लूप लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला लूप में चलते हैं, ठीक है। इस लूप में हम लोग मान लो ऐसे करके घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सा भाई, तो इन लूप क्या है, ए बी सी ए, ए बी सी ए। तो देखो, तो जहां पर करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस पॉजिटिव आता है ना, क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। यहां रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, फिर यहां पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस क्या वी सी, प्लस फिर क्या करेंगे वी सी माइनस यहां, और यहां पे भी एक पॉइंट का नाम रख देते हैं, मान लिया जाइए क्या है एम है, वी सी माइनस वी एम, वी सी माइनस वी एम, ठीक है। यहां रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, फिर वी एम माइनस वी ए, वी एम माइनस वी ए, अब बराबर क्या करना है जीरो। तो इसके 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 सारा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिए, बराबर क्या लिख दिए जीरो। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग जानते हैं शॉर्टकट तो सब लोग को मालूम ही है, करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, और ऐसे भी जाने तो वी ए माइनस वी बी, करंट हाई से लो की तरफ जाता है, हाई में से लो घटाएंगे तो पॉजिटिव चीज ही आएगा ना। तो और रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, यानी कि फोर आई टू, इसका हो गया काम। अब इसका काम करते हैं, बी माइनस क्या सी, करंट के डायरेक्शन में ही है तो पॉजिटिव होगा, जैसे यहाँ हुआ, तो क्या करंट इंटू रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इंटू क्या करंट, आई टू प्लस आई थ्री, ठीक। फिर इसकी बात करें अगर, तो करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं हम लोग, तो करंट इंटू रेसिस्टेंस वन इंटू क्या आई वन। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो तो वी एम माइनस वी ए, छोटा टर्मिनल में से बड़ा, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव माइनस द, बराबर क्या जीरो। तो ये हो गया फोर आई टू प्लस टू आई टू प्लस टू आई थ्री प्लस क्या है आई वन, और ये दस उधर चला गया। फिर इसके बाद आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं, आई वन को कहाँ यहाँ आगे लिख दिए, फिर चार और दो मिलकर के क्या प्लस सिक्स आई टू, चार आई टू और दो आई टू सिक्स आई टू, और प्लस ये क्या है टू आई थ्री, आई इज इक्वल टू क्या टेन। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर ए। चलो अब हम लोग जो है इस लूप में बात करते हैं, दूसरा इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। कौन सा लूप है अपने पास, इन लूप देखा जाए क्या, ए डी सी एम ए, ए डी सी एम ए, इस लूप में घूमेंगे तो करंट के अलोंग बढ़ेंगे तो क्या हाई में से लो घटाएंगे ना, वी ए माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस क्या वी सी, प्लस क्या वी सी माइनस वी एम, वी सी माइनस वी एम प्लस क्या वी एम माइनस वी ए, वी एम माइनस वी ए, अब बराबर क्या करना है जीरो। अच्छा, करंट के अलोंग बढ़ेंगे तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस मेरा क्या हो लेंगे पॉजिटिव, करंट करंट इंटू क्या रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इंटू क्या करंट, फोर इंटू आई वन माइनस आई टू। अच्छा ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो करंट ऐसे आ रहा है और हम लोग उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमको निगेटिव लेना पड़ेगा माइनस टू इंटू इंटू क्या आई टू माइनस आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई वन। फिर उसके बाद करंट के अलॉन्ग चल रहे हैं तो रेसिस्टेंस के पास पॉजिटिव वन इंटू क्या आई वन। फिर उसके बाद देखो तो हम लोग क्या करने वाले हैं लास्ट स्टेप में, वी एम माइनस वी ए, छोटा टर्मिनल में से बड़ा टर्मिनल घटाएंगे तो निगेटिव रिजल्ट, वी एम माइनस वी ए, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव रिजल्ट, बराबर क्या जीरो। अच्छा चलो, ये सब समझ में नहीं आता हो, दिक्कत हो इसके लिए तो आप डिस्क्रिप्शन
में थ्योरी का लिंक देख सकते हो, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4i1 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा जाएगा क्या 4i2, ये माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2i2, ये माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2i3, ये माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2i1, और ये क्या हो गया प्लस i1, और ये माइनस 10 उधर चला जाएगा तो प्लस 10 हो गया ना। 4i1 और 1i1 कितना हो गया ये 5i1 माइनस 4i2 माइनस 2i2 माइनस 6i2 क्या हो गया माइनस 6i2। उसके बाद क्या आते हैं यहाँ देखा जाए ये i1 तो मेरा और भी दो है ना जी, तो 4 × 5 = 2 = 7 7i1 हो गया ना। अच्छा उसके बाद ये 4i2 और 2i2 4 × 2 = 6 माइनस 6i2। i3 की बात करें तो माइनस 2i3 = क्या है 10, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब हम लोग के पास बचा ये वाला लूप, इसमें करंट ऐसे चल रहा है, चलो ऐसे ही हम लोग लूप में घूम लेते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे लूप में घूमेंगे हम लोग, कौन सा लूप है बी सी डी ई, इस लूप में अब बात करते हैं। अब हम इसको मिटाने वाले हैं, दोनों इक्वेशन को हाथ में रखेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, और फिर आगे काम करेंगे। मिटा रहे हैं, देखो हम लोगों ने ये दोनों इक्वेशन तो निकाल दिया था, 1 2 दोनों को एक साथ लिख लिए। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले लूप में, नाउ इन लूप कौन सा भाई बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, इस वाले लूप में अब हम लोग देखो जरा सा क्या करेंगे। यहाँ पर भी सारा पोटेंशियल डिफरेंस को लिखना है, क्या वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी प्लस क्या वी डी माइनस वी ई, वी डी माइनस वी ई प्लस क्या वी ई माइनस, यहाँ पर ये वाला सर्किट है इसमें तो क्या कोई करंट नहीं, ये रेसिस्टेंस नहीं है, तो क्या कहते हैं बस यहीं तक ही, तो ये वाला हो जाएगा मेरा क्या बराबर 0। तो 1 2 और ये 3 यही तीन चीज़ है ना, तो तीनों को अक्रॉस देखो करंट इधर जा रहा है और उधर ही हम लोग मूव कर रहे हैं, ऐसे घूमने का मतलब क्या हो गया इधर ही ना मूव कर रहे हैं हम लोग। तो भी बी में से भी सी, हाई में से लो की तरफ करंट जाता है ना, हाई में से लो हटाएंगे तो पॉजिटिव रेसिस्टेंस इंटू करंट 2 × क्या i2 प्लस i3, ठीक। उसके बाद आगे रेसिस्टेंस इंटू करंट इधर ही जा रहे हैं, पॉजिटिव हो जाएगा 2 × क्या i2 प्लस i3 या माइनस क्या i1, ठीक। उसके बाद आगे फिर क्या करने वाले हैं, ये डी में से ई घटाने वाले हैं, छोटा टर्मिनल में से बड़ा टर्मिनल, तब तो निगेटिव आएगा भाई क्या बराबर 0, ठीक। अच्छा इसे पिछले वाला उम्मीद करते हैं 3.6 आपने कर लिया होगा तभी आप ये बना रहे हो ना, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i2 प्लस क्या 2i3 प्लस क्या ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2i2 प्लस 2i3 ये इससे मल्टीप्लाई माइनस 2i1 ये माइनस 5 उधर चला गया 5 हो गया। आगे देखो तो i1 कितना है भाई 1 है, माइनस 2i1 और क्या कहते हैं 1 इसका काम हो गया, अब i2 बचा तो 2 2 प्लस 4i2 i3 2 2 क्या हो गया प्लस 4i3 = क्या 5, ये हो गया मेरा क्या इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब चलो तीनों इक्वेशन है हमारे पास, तीनों को फटाफट से क्या सॉल्व कर लेते हैं, ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं यहाँ के बाद आगे। अच्छा चलो यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो तो जरा सा जैसे इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को आप जोड़ोगे तो ये 1 और 7 मिलकर के क्या हो जाएगा 8i1, अच्छा ये 6i2 प्लस में है और 6i2 माइनस में है, कट के ये क्या हो गया 0, अच्छा ठीक है 2i3 और माइनस 2i3 प्लस माइनस क्या हो गया ये भी मेरा 0 बराबर 10, 10 कितना हो गया 20, therefore 8i1 is equal to क्या 20, 8i1 is equal to 20, therefore i1 is equal to क्या 20/8। इसको हम लोग जैसे चाहे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर में आप देखोगे तो उस तरह से भी लिख सकते हो, और नहीं तो इसको जब कटाओगे आप तो ये आपका हो जाएगा कितना 2.5, i1 is equal to 2.5 एम्पियर ना, या 5/2 भी लिख सकते हो, इतना एक मेरा क्या हो गया। अच्छा ठीक ये i1 पता है हमको तो इस वाले ब्रांच का करंट मिल गया, अच्छा ठीक है नाउ पुट i1 बराबर 2.5 इन इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन में अगर 2.5 का मान रखेंगे हम लोग तो i1 के जगह पे क्या रख रहे हैं 2.5 प्लस 6 × i2 प्लस 2 × i3 = क्या है भाई 10, ये उधर मल्टीप्लाई घट जाएगा ये उधर जाएगा तो घट जाएगा 6i2 प्लस क्या 2i3 =
ये उधर जाके घटेगा तो 10 में से ढाई चला गया तो 7.5, ये इक्वेशन आया मेरा क्या चौथा। ठीक, I2 और I3 का एक इक्वेशन बना रहे हैं हम, देखो ठीक है, जिससे I2 I3 फाइंड कर लेंगे। अभी हम लोगों ने I1 का मान इक्वेशन 1 में रखा और रख करके क्या किया, एक इक्वेशन बनाया, उसके बाद I1 का मान को आपको इक्वेशन 3 में रखना है। ठीक है, 2 में रखोगे तो गड़बड़ा जाएगा। पुटिंग इन इक्वेशन 3, ठीक है, तो पहला दूसरा दो मिलता जुलता है ना, इसीलिए हम लोग तीसरा में रख रहते हैं। कितना पुटिंग इन इक्वेशन, इतना I1 इज इक्वल टू क्या 2.5, यही पुट करेंगे। देयरफॉर माइनस 2 इंटू I1 के जगह पे क्या लिखेंगे भाई, 2.5 प्लस 4 I2 प्लस 4 I3 इज इक्वल टू क्या 5, इज इक्वल टू क्या है 5। तो ये 2 गुना इससे ये हो गया माइनस 5 प्लस 4 I2 प्लस 4 I3 इज इक्वल टू क्या है 5। ये 5 उधर जाके जुट जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 I2, ये क्या बन गया 4 I2 प्लस 4 I3, I इज इक्वल टू क्या 5 उधर गया, तो 5 क्या हो गया मेरा 10 हो गया, ये हो गया मेरा क्या इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, नाउ अब देखो तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 देखो तो दोनों को एक साथ लिखो, जरा सा 6 I2 प्लस 2 I3 इज इक्वल टू 7.5 और ये है मेरा क्या इक्वेशन नंबर 4 और क्या आते हैं इक्वेशन नंबर 5 क्या है 4 I2 प्लस 4 I3 इज इक्वल टू क्या 10, इक्वेशन नंबर क्या है मेरा 5 है। अच्छा नाउ करना यही है कि अब हम लोग देखो तो दोनों को घटाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए किस में इक्वेशन नंबर 4 में, और उसमें से फिर घटा दिए ये वाला, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो किस से 6 से, 6 गुना क्या इक्वेशन नंबर 5, दोनों को घटा देना। तो चलो हम लोग यही काम अब आगे करते हैं, मिटाने वाले हैं या फिर चलो देखो यहाँ जगह है यहाँ कर लेते हैं, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चौकी कितना 24 I2 प्लस ये 4 × 8 8 I3 इज इक्वल टू वो कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अच्छा और ये हो जाएगा नीचे वाला जो है 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो 6 × 4 ये कितना हो गया 24 I2 प्लस ये 6 से ये मल्टीप्लाई हुआ 6 × 4 24 I3 बराबर 6 दें ये क्या है 60, और दोनों को क्या करना है बस घटा देना है, तो ये प्लस माइनस ये मेरा कैंसिल हो गया, ये इसमें से इसमें ये चला गया माइनस 16 I3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस 30। देयरफॉर I3 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस ये माइनस कैंसिल, तो 30/16 और ये कट गया तो ये आया मेरा क्या 15/8। ये I3 इज इक्वल टू क्या आया I3 इज इक्वल टू 15/8 एम्पियर, I3 मेरा 15/8 एम्पियर है, I1 मेरा क्या है 20/8 यानी कि कितना 2.5 एम्पियर। अब I2 की बात करें तो I2 हम लोग निकाल लेते हैं, कोई सा भी एक इक्वेशन में अगर हम लोग I3 का मान अगर मान लो ये चौथे इक्वेशन में अगर रखेंगे तो भी निकाल सकते हैं, तो चौथे इक्वेशन में भी रख करके चाहे तो निकाल सकते हैं। चलो पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले स्क्रीनशॉट, चलो सारा डाटा को इकट्ठा करते हैं हम। हाँ चलो इक्वेशन 1, 2, 3 था हमारे पास, 4 और 5 दोनों को साथ लिख लिया, I1 का मान इतना कैलकुलेट किया, I3 का मान इतना कैलकुलेट किया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, I1 I3 पता है तो I2 भी फाइंड कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं पुटिंग I3 इज इक्वल टू क्या 15/8 इन इक्वेशन मान लो 5 में ही रख देते हैं, ये वाले में ही रख देते हैं, तो 4 I2 प्लस 4 × I3 के जगह पे क्या करेंगे 15/8 बराबर क्या 10, ये 8 और ये इससे कट जाएगा 2 बार में, तो 4 I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2 उधर चला जाएगा, 10 − 15/2 यानी क्या हो जाता है ये 10 − 7.5 और ये हो गया क्या मेरा 2.5, 4 I2 इज इक्वल टू इतना, देयरफॉर I2 इज इक्वल टू क्या 2.5 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया 4 ना, ये मेरा क्या आया 2.5 डिवाइडेड बाय 4। इसको आप चाहो तो आगे ऐसे करके लिख सकते, ये 10 हो गया, ये हो गया 40 और ये 5 से 25 बार में 5 × 10 ये हो गया 5/8, I2 इज इक्वल टू क्या है 5/8, इस तरीके से आप लिख सकते हो ना, और ये 5/2 हो गया ना। अब नाउ करंट की बात करें अगर,
तो आप देखो उसमें क्या आते हैं, आप मिलाओगे तो डाटा वही सब आएगा, ठीक है। तो ए बी ब्रांच में करंट की बात करें तो सबसे पहले ए बी ब्रांच में कितना करंट है भाई, ए बी ब्रांच में है आई टू करंट, आई टू यानी कि कितना 5/8 एम्पियर, ठीक। अच्छा उसके बाद बात करें बी सी ब्रांच में, तो बी सी ब्रांच में कितना करंट है भाई, I2 प्लस I3 का मतलब 5/8 + 15/8 बराबर 20/8 एम्पियर, ठीक। उसके बाद बात करें अगर सी डी ब्रांच की तो क्या है करंट, I2 प्लस I3 माइनस I1, तो I2 कितना है भाई, I2 5/8 और प्लस क्या I3 यानी कि कितना 15/8 माइनस I1 इज इक्वल टू कितना, I1 यानी कि कितना है भाई, I1 है 2.5, तो लिखोगे तो ये 20/8 हो जाएगा आप, 2.5 20/8 8 × 16 और पॉइंट क्या 4 जो है तो 8×5=40 ना, ये मेरा क्या है एक्चुअल में 20/8 है, ठीक है। तो ये देखो तो आप 15/5 20/8 में से 20/8 चला गया, तो ये क्या हो गया करंट 0। फिर उसके बाद बात करें करंट ए डी ब्रांच में करंट की बात करें तो ए डी ब्रांच में करंट क्या है, I1 माइनस I2 यानी कि कितना, ये मतलब 20/8, तो 20/8 में से I2 यानी कि कितना भाई, I2 यानी 5/8, तो ये मेरा कितना हो गया 15/8 एम्पियर। और भी कोई बचा क्या, 1, 2, 3, 4 ना, 1, 2 और क्या है 3, 4 हो गया। अब ये पांचवा है सी ए ब्रांच में करंट की बात करें अगर, तो सी ए ब्रांच में करंट क्या है भाई, I1 यानी कि क्या 20/8, जिसको हम लोग 2.5 एम्पियर भी बोल सकते हैं। फिर और कोई ब्रांच बचा, इस वाले ब्रांच में अगर बात करें, कौन सा ब्रांच है ये, DEB, इस ब्रांच में बात करें तो I3 करंट है, I3 मेरा कितना है 15/8 एम्पियर। और इसको बस इतना क्या हो गया आंसर, उसको पूर्णांक में या उस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं ना, 8 × 16 + 1 या फिर क्या उस तरीके का भी, वो सब चीज़ भी जैसे भी लिखना हो बुक का जो आंसर है उससे मिला सकते हो आप लोग, तो वही चीज़ का आंसर है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप, लिए ठीक।